कभी आपने ऐसा सुना है कि आप बीमार पड़ जाओ और कोई आपको बोले कि अचार खाओ? शायद ही सुना होगा, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसे अचार की रेसिपी बताऊंगा जो बहुत ही पुरानी अचार की रेसिपी है, दादी और नानी माँ के समय की रेसिपी है। और खास करके साउथ गुजरात में ऐसा बोला जाता है कि जब आप बीमार पड़ जाओ और आपके मुँह का स्वाद अच्छा नहीं हो तब इसे खाना चाहिए, आपका मुँह का जो स्वाद है वो एकदम सुधर जाएगा, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। ये जो अचार है उसका नाम ही पानी चू है, यानी कि पानी में प्रिजर्व हुआ, तो इसीलिए ये बहुत ही खास अचार है। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल विराट नायक रेसिपीज में, और आज हम बनाएंगे पानी चाकियारी। अचार बनाने के लिए सबसे पहली प्रोसेस जो हमें करनी है वो जिस बर्नी में या जिस जार में हम अचार को बनाने वाले हैं उसे गर्म पानी से अच्छे से धो लेना है, और उसके बाद उसको धूप में अच्छे से सुखा लेना है। यहाँ पे मैंने ये मिट्टी की बर्नी ली है, लेकिन आप चाहो तो ग्लास की या फिर प्लास्टिक की बर्नी भी ले सकते हो। अभी हम मेजरमेंट देख लेंगे। यहाँ पे मैं 500 ग्राम आम का आपको मेजरमेंट दिखाऊंगा। तो 500 ग्राम आम के लिए हम 50 ग्राम नमक लेंगे, ये सी सॉल्ट लिया है। उसके बाद 50 ml हम कैस्टर ऑयल लेंगे और 15 ग्राम हल्दी पाउडर लेंगे। पहले के जमाने में ये अचार के लिए एक स्पेशल बर्नी हुआ करती थी जो लकड़ी की बनी होती थी, वो मेरे घर पे आज भी है, लेकिन आज मैं इसको जो मिट्टी की बर्नी आती है उसमें बनाऊंगा। आप यहाँ पे कोई भी बर्नी ले सकते हो। अभी यहाँ पे हल्दी पाउडर जो है उसको सबसे पहले हम कस्टर्ड ऑयल के साथ मिला लेंगे। तो यहाँ पे आपको कस्टर्ड ऑयल ही लेना है, तेल नहीं लेना है। और जो सी सॉल्ट भी हमने लिया है तो आपको वही लेना है, जो हमारा पाउडर सॉल्ट आता है वो नहीं लेना है। अभी इन दोनों चीजों को बहुत ही अच्छे से मिला लेनी है। ये जो अचार है वो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बन जाता है, लेकिन खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और किसी भी प्रकार की कटहल की जो सब्जी बनती है उसके साथ ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन में होता है। तो अभी मैंने सब कुछ मिला लिया है। अभी इसमें से जो आधा मिश्रण है उसको हम बर्नी में डालेंगे। तो इसे बर्नी में हर एक साइड पे अच्छे से लगा लेना है। तो बस यहाँ पे हम आधा मिक्सर इसमें डाल देंगे। अभी हाथों से इसको बर्नी में बहुत ही अच्छे से लगा लेना है। तो साइड में भी ये बहुत ही अच्छे से लग जाना चाहिए, और उसके तलवे में भी अच्छे से लग जाना चाहिए। अचार बनाने की हर एक की रेसिपी थोड़ी थोड़ी अलग होती है, लेकिन मेरे घर में ये जिस प्रकार से बनता है मैं आपको वो रेसिपी बता रहा हूं। ये अचार आपने एक बार बना लिया ना तो आप हर साल इसको बनाओगे, बहुत ही बढ़िया बनता है ये। यहाँ पे मैं आपको एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि ये हमारी बहुत ही पुरानी ट्रेडिशनल रेसिपी है, दादी माँ और नानी माँ के समय की, तो ऐसी रेसिपी को बढ़ावा जरूर देना चाहिए। तो इसीलिए हो सके इतना ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए, ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो भी इसे बना सके और देख सके। अभी मैंने सब कुछ यहाँ पे लगा लिया है। अभी जो हमने नमक रखा है तो उसमें से आधा नमक यहाँ पे हम डाल देंगे। ये जो अचार बनेगा वो थोड़ा सॉल्टी ही बनेगा, तभी ये खाने में बहुत ही बढ़िया लगेगा। यहाँ पे नमक को भी साइड पे अच्छे से लगा लेना है। अभी यहाँ पे आम कैसा लेना है मैं आपको वो बताता हूँ। तो ये जो अचार बनता है वो छोटे आम से ही बनता है, आपको बड़े आम बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। आम कोई भी प्रकार के आप ले सकते हो, छोटे वाले आम लेने हैं, और एकदम ग्रीन होना चाहिए, यानी कि पीला पड़ा हुआ आम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उस पे जो डार्क स्पॉट आते हैं वैसा भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम कड़क होना चाहिए आम। ये 500 ग्राम मैंने आम लिए है और उसको अच्छे पानी से धो लिया है। आप देख सकते हो एकदम हरा वाला आम जो है वही लेना है, और अगर आपके पास मिक्स आम है तो आप वो लीजिएगा। मैंने यहाँ पे जो तोता केरी आती है उसके छोटे छोटे आम लिए हैं, लेकिन मिक्स होगा तो ये बहुत ही बढ़िया बनेगा। अभी ये सारे आम है उसको हम सीधा पानी में से बर्नी में डालेंगे। नॉर्मली दूसरे जब भी कोई हम अचार बनाते हैं तो उसमें आम को हम पहले अच्छे से सुखा लेते हैं और उसके बाद अचार बनाते हैं, ताकि अचार में पानी का मात्रा बिल्कुल भी नहीं जाए और अचार लंबे समय तक अच्छा रहे। लेकिन ये जो अचार बनेगा उसकी स्पेशलिटी ही ये है कि ये पानी में प्रिजर्व होगा। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा नमक डाल देंगे, और हमने जो हल्दी पाउडर और कस्टर्ड ऑयल का मिक्सर बनाया था वो भी थोड़ा सा डाल देंगे। एक बार सब कुछ अच्छे से मिला लेंगे ताकि हमारे जो आम है वो अच्छे से कोट हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो आम बहुत ही अच्छे से कोट हो गया है, तो इसी प्रकार हमको सारे आम कोट कर देने हैं। अभी ये जो बाकी के आम है उसको भी हम इस बर्नी में डाल देंगे। अभी जो नमक हमने बचा के रखा था तो वो सारा इसमें डाल देंगे, और जो हल्दी पाउडर और कस्टर्ड ऑयल का मिक्सर था वो भी डाल देंगे, और उसके बाद इसको फिर से मिला लेना है। ज्यादातर के जो अचार है वो ज्यादा ऑयल में या फिर नमक में या फिर सिरके से ही प्रिजर्व होता है, लेकिन ये जो अचार बनेगा वो पानी और कैस्टर ऑयल और नमक के साथ प्रिजर्व होगा। अभी सारे आम को मिक्स हमने कर दिया है। बर्नी का जो ढक्कन है उसको भी साफ कपड़े के साथ बांध लेना है। यहाँ पे अगर आप कांच की बर्नी ले रहे हो तो ये प्रोसेस करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी बर्नी को हम ढक देंगे, और उसके बाद बाकी की प्रोसेस दूसरे दिन करेंगे। अभी दूसरे दिन भी हम एक प्रोसेस करेंगे, तो पहले बर्नी को खोल लेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे बर्फ। तो यहां पे मैंने 2 ट्रे का बर्फ लिया है और उसको 1 कप पानी में डाल दिया है। पानी भी मैंने एकदम ठंडा लिया है।
तो बर्फ और बर्फ वाला जो पानी है उसको हम ये बर्नी में डाल देंगे। तो पहले के जमाने में तो इसमें मटके का ही पानी यूज किया जाता था, लेकिन अगर बर्फ से करोगे तो ये बहुत ही बढ़िया बनता है। अभी हमने जो इसमें नमक मिलाया है, ये जो बर्फ डाली तो उसका भी पानी छूटेगा, नमक मिला है वो भी थोड़े दिन के बाद उसका पानी छोड़ देगा, और ये जो आपके आम है उसके ऊपर तक पानी आ जाना चाहिए। तो आपको उतना बर्फ डालना पड़ेगा कि आपके जो सारे आम है वो पानी से कवर हो जाए, और बनी को ऐसे उछाल लेना है। उछालने की ये प्रोसेस आपको 2 हफ्ते तक हर रोज करनी है, ये बहुत ही जरूरी है। हर रोज आपको एक बार ऐसे उसको उछाल लेना है। तो पहले आपको 2 हफ्ते तक करनी पड़ेगी, फिर आप हफ्ते में एक बार भी करोगे तो चलेगा। अभी मैं आपको 1 हफ्ते के बाद ये कैसा बनेगा आपको वो दिखाता हूँ। यहाँ पे 1 हफ्ता हुआ है, आप देख सकते हो जो हमने आम डाला था उसका कलर भी थोड़ा सा बदल गया है, लेकिन ये फिर भी कड़क ही रहेगा, ये सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। ये जो अचार है वो 20 दिन के बाद खाने लायक हो जाएगा, और जब भी आपको इसे खाना हो तो बर्नी में से इसको निकाल लेना है और उसके बाद उसको अच्छे से धो लेना है, और उसके बाद इसको काट लीजिए और आप इसे खा सकते हो। यहाँ पे मैं आपको ये मेरे पिछले साल का अचार वो दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसमें जो हल्दी आती है फ्रेश वाली हल्दी, तो वो भी बर्नी में डाली थी। उसके बाद जो गूंदा यानी कि जो गम बेरी आता है वो भी डाला था, तो ये भी आप डाल सकते हो। आपको सेम ही जो बर्नी हमने की आम वाली उसी में आपको ये सारी चीजें डाल देनी है। उसके बाद जो गुवार सिंग आती है गुवार फली, तो वो भी आप डालिएगा, बहुत ही बढ़िया बनती है। आखिर में फिर से एक बात मैं जरूर दोहराऊंगा कि ये जो अचार है उसको आपको बहुत ही अच्छा रखने के लिए आप उसको हो सके तो एक बार उछाल लीजिए। हर रोज कर सकते तो भी अच्छा है, और या एक एक दिन छोड़ के भी आप जरूर कीजिए, तो आपका अचार पूरे साल बिल्कुल वैसा ही रहेगा। तो तैयार है हमारा पानी चा कैरी का एकदम ट्रेडिशनल अचार, और भी बहुत ही पुराने ट्रेडिशनल अचार की रेसिपी जल्दी ही आने वाली है। तो इसीलिए अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाजू में जो बेल आइकन है वो दबा दीजिए ताकि आने वाली हर एक रेसिपी आप देख सके। और एक रेसिपी के साथ हम जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।